Love is God. Love का मतलब है L for lake of sorrow. O for ocean of tears. This is not Britain. So what? शायद तुम ये बोल रहे हो कि हमारा वीजा इंडिया में खत्म होने वाला है. आए जो बोलेगा अपन उसी को ठोक डालेगा. हम रोकेंगे ना तुझको, तू पकड़ ले चाहे जिसको. हम रोकेंगे ना तुझको, तू पकड़ ले चाहे जिसको. ओ जा हमें किस कर ले, तू हमको फिक्स कर ले, कर ले, तू हमको फिक्स कर ले. इस लड़की की लाश आप लोगों को अंजुना बीच पर मिली है, वो किस कंट्री की थी? अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हुई है. Why, doctor? I'm her mother. बताइए ना कि मेरे बेटे की कैसे मौत हो गई? ड्रग्स का हैवी डोज लेने से उसकी मौत हुई है. मंत्री जी, इस केस को पुलिस ने हत्या को आत्महत्या का रूप देकर दबा दिया है, और मेरे हिसाब से इस केस के पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है. न जाने कहां कहां से आ जाते हैं गोवा को गंदा करने के लिए. क्योंकि इस केस की पैरवी के लिए मैंने अदालत से एक दिन का वक्त मांगा है. उस साले वकील को ही उड़ा देता. टू हॉट इन फ्लाइट. दुनिया में भगवान है और वो किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं. झूठ बोल रहे हैं आप कामले साहब, झूठ. पुलिस स्टेशन जाने से पहले आपने मीडिया वालों के सामने जेसिका को एक ड्रग एडिक्ट और लावारिस ठहराया. मैं ब्रिटेन में फायदा जरूर हुई हूँ, लेकिन फर्क का मतलब इंडिया में आने के बाद पता चला. दोस्त बहुत होते हैं समर, बट लवर वन ओनली. शट अप यू बीच. You bastard! No. I love you, Jimmy. I love India. I would never leave you. I love you, Jimmy. I love you. I love you. आप महाराज गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछते? उन दो विदेशी महिलाओं पर 70 लोग टूट पड़े थे. बस यही हकीकत काफी थी ये साबित करने के लिए कि जेसिका ने भी ड्रग्स लेकर अय्याशी की थी. तो क्या जज साहब आप मुझे मदद नहीं कर सकते? और मेरा वो गवाह है. लेकिन जब देश की आन पर धब्बा लगता नजर आता है या किसी बेगुनाह की मौत का तमाशा बनाया जाता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. मैं पूछता हूं अदालत से कि कब तक हमारा ये पुलिस डिपार्टमेंट हमारे विदेशी टूरिस्टों के साथ इस तरह पेश आता रहेगा. योर ऑनर, उनकी हिफाजत करने की बजाय उनके बलात्कार को अय्याशी का नाम देता रहेगा. कब तक उनकी मौत का तमाशा देखता रहेगा? मैं पूछता हूँ कब तक योर ऑनर.